बिहार के भागलपुर में इन दिनों गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। आलम यह है कि उफनती गंगा नदी की चपेट में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस जलमग्न हो चला है। लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी परिसर, सीनेट हॉल, गर्ल्स हॉस्टल सहित आसपास के कई क्षेत्रों में पानी ही पानी है। यूनिवर्सिटी परिसर में नाव चलाई जा रही है। नाव से ही कर्मचारी और छात्र छात्राओं का आना जाना हो रहा है। हमारे संवाददाता प्रीतम पांडे ने यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अभी हम भागलपुर के यूनिवर्सिटी प्रांगण में हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं नाव से यहां पे आया हूं रिपोर्टिंग करने के लिए, और आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं क्या जलमग्न हो चुका है। एक तरफ लोग परेशान हैं गर्मी से कि कब मौसम सही, और एक तरफ बिना बारिश के ये देखिए बाढ़ का नज़ारा। पूरा यूनिवर्सिटी डूब चुका है, आप देख सकते हैं। ये कैंटीन है, बिल्कुल बंद है, और लगभग आधे क्षेत्र में पानी डूब चुका है। चारों तरफ जलमग्न ही हो चुका है और आवागमन बिल्कुल ठप है। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं, अब ये देख सकते हैं लोग जा रहे हैं उधर नाव से। सब लोग जिनको ज़रूरत है वो तो जाएंगे ही, नाव से सफ़र कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्सिटी जलमग्न हो चुका है, सारे कार्य बाधित हो चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है, सारे कार्य बाधित हैं, और जो बहुत ही ज़रूरी निहायत कार्य हैं उसको किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग नाव में किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और कुछ लोग इधर से अगर उस पार जाना हो या किन्हीं का वहाँ पे कुछ घर वगैरह भी है, देख सकते हैं वो भी, और जो आवास है छात्रावास भी है कुछ, तो सब लोग या तो छोड़ के जा चुके हैं या अगर हैं तो किसी तरह से आना जाना हो रहा है। आपको बता दें कि छात्रों ने कैंपस में पानी घुसने की सूचना विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को पहले से ही दे दी थी, जिसके बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने सभी तरह की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर साल तिलका मांझी भागलपुर का प्रशासनिक भवन कैंपस बाढ़ में जब डूब जाता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों कोई तैयारी नहीं करता। हर साल बाढ़ की वजह से एकेडमिक और प्रशासनिक कार्य ठप हो जाता है, गर्ल्स हॉस्टल खाली कराना पड़ता है, लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी से शिक्षकों को हटाना पड़ता है, कैंपस में अलग अलग जगह लगी खेती बागवानी डूब जाती है। जब इस बारे में हमारी न्यूज फॉर इंडिया की टीम ने पड़ताल की तो पता चलता है कि 2016 से अब तक जब भी बाढ़ आई है कैंपस में हर बार पानी आया है, लेकिन कभी इससे बचने के उपाय ही नहीं किए जाते। आलम यह रहता है कि लोग हर साल बाढ़ से परेशान रहते हैं, आसपास के लोग भी बाढ़ की वजह से रविंद्र भवन में आकर आश्रय लेते हैं, उनकी परेशानियों को जिला प्रशासन भी गंभीरता से नहीं लेता। आप खुद सुन लीजिए कैंपस के आसपास के लोगों की परेशानी खुद उन्हीं की जुबानी। हम लोग ग्राम पंचायत रतिपुर बरिया दिलदारपुर वार्ड संख्या 9 से आए हुए हैं, जो रविंद्र भवन टीला कोटी के पीछे है। हम लोग के घर में कम से कम वही 4-5 फीट पानी हो गया है। सब अपना जो है मतलब पूरा परिवार के साथ यहाँ रविंद्र भवन टीला कोटी पे आए हुए हैं। कब से आए हुए? मतलब एक सप्ताह से, मतलब कि ज़्यादा ही हो चुका है हम लोग का आया हुआ। और अभी तक जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से जो है सिर्फ लाइट लगा है, और पानी का टैंकर मतलब दिन में एक बार आता है, शौचालय व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और मतलब जिला प्रशासन को बोले कि खाना के बारे में, तो बोले कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है बाल निकेतन, तो वहाँ पे जाके आप लोग खा सकते। लालपुर से आए हैं हम लोग, बिन टोला से। हम लोग का कम से कम 8-9 रोज बीत गया समय यहाँ। अभी तक सरकार की तरफ से एक बिजली लगा, वो भी बंद कर रहा था यहाँ के भीसी तरफ से बंद, वो भी कर रहा था, नहीं लगाने देता था। तो युवक सब कैसे करके लगा लिया है। पानी का थोड़ा एक व्यवस्था आता है, थोड़े झाड़ू वाला आया 7-8 दिन में आया है, मगर कोई हम लोग का खाने की राशन नहीं सूखा नहीं गीला की कोई उपाय नहीं है। वो बार पहले दा बोला कि आप लोग का आदमी यहाँ नहीं है,
तो हम लोग खाना की व्यवस्था कहाँ करेंगे, नहीं होगा। आप देख के चार तरफ घूम के देख लीजिए कि हम लोग का क्या स्थिति से हम लोग का परिवार गुजर रहा है। ऐसे में न्यूज फॉर इंडिया कुलाधिपति और कुलपति महोदय से अपील करता है कि यहाँ के छात्रों के पठन पाठन से जुड़े इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकाले। एक रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।